नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास शो मेरा आसमान में। और मेरा आसमान में आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो युवाओं का भविष्य सवार कर उन्हें ऊंचे पदों पर पहुंचाते हैं, जिन पर पहुंचने की और उनको छूने की हर किसी युवा में ललक होती है। जी, मैं बात कर रही हूँ सुशील कुमार सिंह की, आज की पीढ़ी को जो सिविल परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं। सुशील कुमार सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले तो न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। और सुशील जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि देखिए, आज के समय में अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज की जॉब ज़्यादातर युवाओं का सपना है। कभी खुद का इंटरेस्ट होता है तो कभी परिवार का प्रेशर भी होता है। सिविल सर्विस की अगर बात करते हैं तो ये आपके लिए क्या है सर? देखिए, सिविल सर्विसेज एक अच्छे मौके पे आप बात कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं कि ऐसे विषय को भी उन्होंने तवज्जो दिया, क्योंकि जनरली पॉलिटिकल और ऐसे आपाधापी की खबरों के बीच ये चीजें सीमित हो जाती हैं। कल सिविल सर्विसेज यानी 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे होता है, एक अच्छा मौका है। आज 22 अप्रैल को हम लोग ये बात कर रहे हैं। बेसिकली इस सेवा का जो मर्म और मर्मज्ञ है वो आत्मा की, वो मतलब कह सकते हैं कसमसाहट है, जिसकी इच्छा या कहा जाए इच्छा शक्ति, और इसमें पुरजोर ताकत लगाने की युवाओं का एक सपना होता है कि किसी तरह कितने भी मेहनत करके मिले ले लेते हैं, क्योंकि इससे पीढ़ियां सुधर जाती हैं। स्वयं के सपने पूरे होते हैं, माँ बाप के जो उससे भी बड़े सपने होते हैं उनकी भी पूर्ति होती है और जिंदगी में एक अच्छी खासी बहार होती है और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जो इसमें मौका है उसकी भी पूर्ति होती है। तो मैं समझता हूं कि यह एक गुलदस्ता है जो जिसमें एक नहीं कई तरह के कार्यों का समावेशन है और व्यक्तित्व की प्रगाढ़ता, आर्थिकी की मदद और जिंदगी का एक अच्छा ठौर देने का नाम अगर कुछ है तो वह है सिविल सर्विसेस। बिल्कुल, इसी के साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज मतलब कि जिम्मेदारी के साथ रुतबा भी, आपका नजरिया इसको लेकर क्या है और इस जिम्मेदारी के प्रति? देखिए, बहुत सही आपने बोला है, किसी भी देश में आप मैम देखेंगे ना, अगर हम सरदार पटेल जी की बात करें कि जब 1947 में सिविल सर्विसेज के प्रशिक्षुओं को मेडकॉफ हाउस में कहा था तो उन्होंने कहा था कि यह इस्पात का ढांचा है, यानी इस्पाती ढांचा है, स्टील फ्रेम है। स्टील फ्रेम का मतलब आप समझिए कि अगर दुनिया के किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो उसी लोहे के फ्रेम पे सैकड़ों माले टांग दिए जाते हैं। इसी नजरिए से देखिए कि देश के अगर तरक्की, उत्थान और विकास को आप चाहते हैं, सर्वोदय चाहते हैं, अंत्योदय चाहते हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना चाहते हैं, तो उसकी पूर्ति में सिर्फ एक ही नाम होता है, उसका नाम है सिविल सेवा। सिविल सेवा जहां नीतियों के नियोजन में राजनीतिक कार्यपालिका की मदद ही नहीं करता बल्कि उसी के माध्यम से ही अंतिम व्यक्ति तक उन नीतियों को पहुंचाया भी जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि सरकार वो अच्छी होती है जिसका प्रशासन अच्छा होता है, यानी सिविल सेवक अच्छा होता है। और सिविल सेवक अगर अच्छा हो जाए, यानी सिविल सेवक सत्यनिष्ठ हो, भ्रष्ट ना हो, सिविल सेवक कर्तव्य निष्ठ हो, काम में काम चोरी ना करे, नीतियों को सही जगह दे, नीति का सही क्रियान्वयन करे और उचित मापदंडों के साथ देश को आगे बढ़ाए, तो हम समझते हैं कि न केवल जनता की भलाई, देश की ऊंचाई, बल्कि स्वयं की प्रतिष्ठा को वो हासिल करते हुए बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। यह संभावनाओं का एक ऐसा खेल है जहां नीतियां भी बनाई जाती हैं, नीतियों का क्रियान्वयन भी होता है और खुद के मन को अच्छा लगता है। आप किसी भी आईएएस ऑफिसर से मिलिए, भले ही उसके पास सैकड़ों समस्याएं होंगी, जन जागरूकता से जुड़ी समस्या हो चाहे जन समस्या से जुड़ी समस्या हो, लेकिन एक हकीकत यह है उसको भले ही उसकी कसमसाहट कई चीजों में हो, लेकिन उसको इस बात का बहुत अच्छा एहसास रहता है कि वो देश के लिए और देश के लोगों के लिए कुछ करने का मादा तो रखता है, ताकत तो रखता है। कितना कर पाता है ये अलग अलग लोगों पे अलग अलग है, सरकारों के हिसाब से भी हो जाता है, लेकिन करने का, कर गुजरने का ये पूरी स्थिति देता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, नैतिक रूप से, ईमानदारी के तौर पे, अभिरुचि के तौर पे कैसा सोच रखते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी के तौर पे कैसा रखते हैं,
दया और सहानुभूति की दृष्टि से कैसे रखते हैं, ये आपके परवरिश पर, आपकी जमावट पर, आपकी बनावट पर निर्भर है। क्योंकि देश के कोने कोने के हर कोई परीक्षा पास करके इसको प्राप्त तो कर सकता है, लेकिन निखार उसी में आता है जो देश के लिए या जनता की भलाई के लिए कर गुजरने का मादा रखता है। तो इसमें पूरे मौके रहते हैं मैम। मतलब एक सिविल सेवक इस बात के लिए कभी शायद नहीं पछताएगा कि मुझे मौका नहीं मिला देश के लिए और अपने लोगों के लिए, यानी कि देश की जनता के लिए कुछ करने का। ये बात और है कि उसकी कठिनाइयां परिस्थितियों ने ना करने दिया हो, लेकिन अवसर इसमें पूरे रहते हैं। बिल्कुल सुशील जी, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो सबसे पहले इसके सिलेबस पर ही नजर जाती है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो ये किस तरह से रहता है और इसकी तैयारी का प्रारूप क्या है सर? देखिए, इसका सिंपल जमाने से रहा है। मैं 1979 से जब पहली बार इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था आई, इसको थ्री टायर सिस्टम बोलिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू, 79 से अब तक देखेंगे तो 40 वर्ष से ज्यादा की यात्रा हो चुकी है इसकी। और इसी के बीच कुछ भी परिवर्तन हुआ है, यानी थ्री टायर सिस्टम है। पहले प्रीलिम्स स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके नंबर जोड़े नहीं जाते हैं। पहले जनरल स्टडीज के साथ ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, वो च्वाइस होती थी, जिसकी जो मर्जी ले ले, लेकिन 2011 से इसको खत्म कर दिया गया था। यानी ऑप्शनल की जगह पे कंपलसरी एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट दिया गया। हालांकि यूपीएससी उसको भी सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र कहता है, लेकिन उसको आम भाषा में सीसेट कहते हैं, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें रीजनिंग था, अर्थमेटिक था, डाटा इंटरप्रिटेशन था, कॉम्प्रिहेंशन था, मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग एक प्रकार से पर्सनल इंटरपर्सनल स्किल था। तो ये सारी चीजों का वो सिलेबस था। और जनरल स्टडीज में जानते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी इकोनॉमी है, साइंस टेक, करंट अफेयर्स है जनरल स्टडीज का। तो ये क्वालिफाइंग होता है स्क्रीनिंग, यानी कि इसमें कितना भी कर लीजिए आप आफ्टर ऑल ये नंबर आगे नहीं जोड़ते हैं। लेकिन इस सीसेट के नंबर पहले जोड़े जाते थे, अब क्वालिफाइंग है। यानी इसको 2-3 साल तक इसमें बड़ी समस्या आई, बाद में यूपीएससी ने विचार किया, बड़े इसके लिए आंदोलन भी हुए थे कि सीसेट को हटा दिया जाए या इसको क्वालिफाइंग कर दिया जाए। इसमें अंग्रेजी है, हिंदी मीडियम के लिए दिक्कत होता है, अंग्रेजी हटाई भी गई, बाद में सीसेट तो है बट उसको क्वालिफाइंग कर दिया गया। यानी 200 नंबर में जो 66 नंबर 66 मार्क्स पाता है, यानी 80 क्वेश्चन आते हैं उसमें 27 क्वेश्चन अगर कोई सही कर लेता तो क्वालिफाई हो जाता है, बस वहीं छूट जाता है, जनरल स्टडीज से मेरिट बनती है। 2011 में ये परिवर्तन है, 2013 में सिलेबस मुख्य परीक्षा में बदल दिया गया। मुख्य परीक्षा में अब 4 प्रश्न पत्र जीएस के होते हैं, जनरल स्टडीज जिसको बोलते हैं, और इसमें पहला प्रश्न पत्र इंडियन सोसाइटी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, और दूसरा प्रश्न पत्र देखेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशन है। तीसरा पेपर अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, और चौथा एथिक्स है। ये तो 4 जनरल स्टडीज के पेपर हुए। एससी का पेपर होता है, ये चारों पेपर मिलाएंगे तो ईच पेपर 250 मार्क्स का होता है, 1000 नंबर का, और 250 नंबर के ही निबंध होते हैं। हम लोग जब कभी तैयारी करते थे 93-94 के टाइम में, तो उस जमाने में एक निबंध लिखने होते थे 3 घंटे में, लेकिन वो 2000 शब्द करीब करीब लिखते थे। अब 2 निबंध की प्रथा है, नंबर 250 कर दिया गया है और निबंध लिखने की प्रथा 2 हो गई। और ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, पहले 2 ऑप्शनल होते थे, यानी एक मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय आप चुन सकते हैं। इन टोटल को जोड़ दिया जाए मैम, वैकल्पिक विषय 500 नंबर का, 250 नंबर का निबंध और 1000 नंबर का जनरल स्टडीज, तो 1750 नंबर हो जाता है। और 300-300 नंबर की हिंदी और अंग्रेजी होती है, जिसको जनरल हिंदी या सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश कहते हैं, जो क्वालिफाइंग है, इसके नंबर मेरिट में नहीं जोड़े जाते। लेकिन स्थिति यह है कि लोग अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी में भी फेल होते हैं। यानी फेल होने का सिलसिला यहाँ थमा नहीं, कि कुछ को हिंदी नहीं आती, कुछ को अंग्रेजी नहीं आती। और 300 नंबर का, 275 नंबर का, टोटल का 15% होता है जनरली, साक्षात्कार होता है। तो ये सब क्लब करके जो लोग मेरिट में आते हैं उसी ढंग से उनका चयन की ये क्रिया है। और यह जो है अमूलचूल परिवर्तन के साथ कुछ न कुछ गुजरती रहती है, और ये इंटरनल थोड़ा इनोवेशन होते हैं। और सिविल सर्विसेज 1979 से जब चला था तो 93 में पहली बार निबंध जोड़ा गया था, पहले निबंध होता ही नहीं था। बाद में 2011 में परिवर्तन आया प्री में, फिर 13 में आया, अभी ये परिवर्तन अनवरत है, मतलब चल रहा है।
और सुशील जी, यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, तो देखिए इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है और पढ़ने के समय को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी होते हैं। आपकी नज़र में कितने घंटे पढ़ा जाए कि एग्ज़ाम को क्रॉस कर लिया जाता है जिसमें? देखिए मैम, घंटे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आवर से ही हम लोग मानक तय कर पाते हैं। वैसे तो नहीं कर सकते भाई जिसका जितना मर्जी है पढ़े, क्योंकि उसकी दिनचर्या है, उसको सोना भी है, स्वस्थ भी रहना है। तो मैं एक विद्यार्थियों को जो मैं बोलता हूँ, वो मैं बोल देता हूँ उनको, सिंपली बोलता हूँ कि 8 घंटा पढ़ो, 8 घंटा सो, 8 घंटा खाओ। तो अगर आप 8 घंटे साल भर, सवा साल, 1.5 साल के बीच, यानी 1.5 साल मैं मान के चलता हूँ उसको, तो अगर 8-8 घंटे का टेनोर फिक्स करते हैं और उस 8 घंटे में कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि 8 घंटा में कम पढ़ेगा आदमी, 5-6 घंटा ही पढ़ता है, 8 घंटा पूरा नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि कुछ टाइम इंगेज करता है, कुछ टाइम ही एजुकेट करेगा अपने। जैसे हम ही लोग क्लास में अगर 3 घंटे की क्लास में होते हैं तो पूरे 3 घंटे नहीं पढ़ाते हैं, कहीं ना कहीं आधा घंटा छीजन निकल जाएगा, कोई को डांटने में, किसी को समझाने में, कोई लेट आने में, इस तरीके से भी टाइम चले जाते हैं। कोई क्वेश्चन पूछेगा वो एक को समझाने में, तो मैं मानता हूँ कि वो आवर के अंदर क्या आवर है, तो स्टूडेंट आवर के अंदर अगर आवर निकालता है, जैसे कि अगर 6-7 घंटे पढ़ता है 8 घंटे की सिटिंग में तो अच्छा है, लेकिन अगर उसको लगता है कि 10 घंटे में 6-7 घंटे निकलेगा तो उसको 10 घंटे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा खराब करेगा टाइम। तो क्वालिटी कैसे एक्सपेंड करे, F.W. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट में कहा था कि प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, आवर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सिलेबस को जल्दी समझ लेते हैं तो आप कम आवर ही खर्च कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आवर का कंपटीशन नहीं है, बल्कि आपके पावर का कंपटीशन है कि किस तरीके से आप सिलेबस को अपनी एक्सेप्टेंसी में लाते हैं और एक्सेप्टेंसी के साथ एलोबरेट करते हैं, यानी कमीशन के क्वेश्चंस को किस तरीके से प्रेजेंट कर देते हैं कॉपी में, और प्री में किस तरीके से वैकल्पिक विषय है तो उसमें वैकल्पिक क्वेश्चंस है तो उसमें सही तक पहुंच जाते हैं। यह पावर जितनी जल्दी ला लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि पहले अटेम्प्ट में 21 बरस जिनकी उम्र होते ही वो भी IAS टॉपर रहे हैं, यानी कि आप जरा सोचें, अगर कोई 17-18 साल में इंटर करता है, 20 साल में ग्रेजुएट करता है या 21 साल तक, फिर उसी के साथ अगर टॉप भी कर रहा है, यानी कि उसके पास पावर है, कैपेसिटी है ग्रैप्स करने की, प्रेजेंट करने की, तो वो बिना ज्यादा आवर खर्च किए भी इस परीक्षा में अपनी जगह बना सकता है। बिल्कुल। और सुशील जी देखिए, क्योंकि हम, जिससे आपने भी कहा कि बदलाव किस तरह से, अगर हम इन सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, वो हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं, चाहे हम पैटर्न की बात करें, चाहे हम तमाम चीज़ों की बात करें। अगर यहाँ पे हम लड़के लड़कियों की बात करते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पर हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा सिर्फ लड़के ही सिविल सर्विसेज का रुख करते थे, लेकिन अब लड़कियों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है, ज़्यादातर लड़कियाँ भी अब इसकी तरफ बढ़ रही हैं आगे। अगर इस बीच हम रुझानों की बात करते हैं, तो लड़कियों के रुझान में मतलब कितना अंतर अब आप देख रहे हैं पहले से, ज़्यादा कितना बदलाव आप देख रहे हैं, कितना अंतर, अभी भी लड़कों की संख्या ज्यादा होती है या फिर लड़कियों का रुझान ज्यादा है इसमें? बहुत ज्यादा। अगर आप पिछले 10-20 साल से अंदर निकालेंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन। अभी उत्तर प्रदेश PCS का मैम 1 हफ्ता पहले रिजल्ट आया है। मैं क्योंकि सिविल सर्विसेज में हम PCS को अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो सिविल देता है जनरली PCS देता ही है, और UP PCS हो तो बड़ी बात हो ही जाती है। UP PCS के रिजल्ट में आप देखेंगे 1 से लेके 10 के बीच में 8 लड़कियां SDM बनी हैं, सिर्फ 2 ही लड़के हैं। पहला स्थान लड़की, दूसरा स्थान लड़की, तीसरा, चौथा भी लड़की, 5वां लड़का है 10वां लड़का है, बाकी 4-8 जगह पे लड़कियां हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो लड़कियां बड़ी बड़ी शहरों की हैं, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने बहुत इसके लिए बड़े शहरों में जाकर के बड़ी पैसे खर्च करके ये अध्ययन किए हैं। बस उनका जो समर्पण था, जो उनकी, मैंने बोला ना कि जो उनकी पावर थी और जो उन्होंने रिसोर्स का इस्तेमाल किया, उन्होंने जो गाइड लिया अपने को और कमीशन के हिसाब से, उसके क्वेश्चन के हिसाब से अपनी प्रस्तुति को तैयार किया। सिलेक्शन कमीशन तो दोनों बाह फैला के खड़ा रहता है, यूथ कैप्चर थ्योरी, हम तो युवा पकड़ने के लिए ही वो बैठा है, जो उसके प्रश्न का सही जवाब दे देगा वो अंदर कर लेगा उसको। उन लड़कियों ने चाहे YouTube से पढ़ा हो, चाहे कोचिंग में पढ़ा, चाहे गांव में पढ़ा,
मटेरियल ये नहीं है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आपने जरूरत को कैसे बताया, प्रश्न को कैसे समझाया, कमीशन को कैसे काउंसलिंग किया कि साहब आप ही एसडीएम के लायक, ये तो मैं यूपी का पता दिया। या आपको एक डेटा से अगर मैं समझाऊं दो तीन साल का, तो 2022 का अगर मैं बात करूं कि चूंकि 2023 में भी एग्जाम 28 मई को होना है, इसका कोई डेटा नहीं है, 2022 में 11,35,000 लोगों ने फॉर्म भरा था और जिसमें से 5,73,000 लोग इसमें प्री परीक्षा में शामिल हुए थे, यानी लगभग 50% लोग नहीं शामिल हुए थे। और अगर हम 2020 में जाएं, हालांकि वो कोरोना कालखंड था लेकिन परीक्षा तो हुई तो लोग तो दिए ही, तो 10,40,000 का डेटा था जो आवेदन करने वालों का, यही 2021 में 10,93,000 है, यानी कि 43,000 लोग 11 में बढ़े थे और इसी औसत से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 21-22 में बढ़े, यानी कि 40,50,000-60,000 लोग ऑन एन एवरेज हर साल एग्जाम में ज्यादा आते हैं और लगभग 50% ही एग्जाम को देते हैं। लड़कियों का जहां तक देखेंगे, आपको मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हमने एक लेख लिखा था कि आईएएस के आसमान में लड़कियां, ऐसा वाकया दो बार हो चुका है जब लगातार 3 लड़कियों ने आईएएस टॉप किया और लगातार 4 लड़कियां ही आईएएस में रही, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी। तो यह जो है एक ऐसा सुनहरा पक्ष है जहां पर महिलाओं को, लड़कियों को यह लगता है कि क्योंकि वो भाई जैसे हमने बोला कि ये आवर का नहीं पावर का गेम है, अगर उनके पास आवर भी है और पावर भी है, लड़कियां भाई लड़कों से, हम तो खुद ही पढ़ाते हैं, हमारी क्लास में 80% लड़कियां रहती हैं, ये बड़ा अद्भुत डेटा दे रहा हूं आपको, हमारी क्लास में लड़कियों की संख्या ही 80% रहती है। तो मैं कहता हूं कि जब लड़कियां 80% है तो सिलेक्शन कैसे नहीं ज्यादा उनका होगा, बिल्कुल। मतलब मैं अगर इसका इसका रेशियो अपने अपनी रिसर्च के हिसाब से देखें तो हम समझ पा रहे हैं कि लड़कियां ज्यादा क्यों सिलेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि वो कोचिंग तक आ रही हैं, लाइब्रेरी तक जा रही हैं, गाइड तक पहुंच रही हैं और एक चेष्टा दिखा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं से यह इल्म है, यह समझ है कि हम सिविल सर्विसेज की जरूरत के हिसाब से बात करेंगे तो हमारा भी सिलेक्शन होगा। और जो गार्जियंस है मैम, आज की तारीख में मैं देखता हूं कि सुबह जब मैं 6:30 बजे क्लास में होता हूं, गार्जियंस अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को जब छोड़ने आते हैं तो एक सिलसिला रहता है, मतलब 50% गार्जियंस ऐसे हैं जो अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। गार्जियन में भी एक चेतना है कि लड़कियां बेहतर कर रही, इनको थोड़ा प्रमोट करो, बढ़ाओ। और ये मैं कोई, आपको भी ये यकीनन आप मान रही होंगी कि ये हो रहा है, तो मेरे पास इस तरह का डेटा तो नहीं है कि आफ्टर ऑल सिलेक्शन रेशियो में लड़कियों का कितनी संख्या है, लेकिन जो आप वातावरण देख रहे हैं, जैसे हमने 1/4 तक बताया कि लड़कियां सिलेक्ट हो रही हैं, मैंने बताया कि 80% तक लड़कियां हमारे क्लास में हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस दर से और किस मन से महिलाओं ने सिविल सर्विसेज को एक्सेप्ट किया है और कितने बेजोड़ तरीके से अपने को वहां पे चयनित कराया है। तो यह एक बहुत अच्छा सिग्नल है, साइन है, खास तौर से लड़कियों के लिए और जो सेलेक्ट हो रही हैं उनके घर वालों के लिए भी, कि उनको अवसर दिया जाए तो वो उनको निराश नहीं कर रही है। बिल्कुल। और सुशील जी, यहाँ पे आपने गार्जियंस का जिक्र किया, अगर मैं यहाँ पर परिवार की बात करती हूँ, गार्जियंस की बात करती हूँ, तो कितना अहम रोल गार्जियंस का इसमें होता है, एक क्योंकि एक कहा जा सकता है एक जर्नी होती है ये, शुरुआत से लेकर अंत तक, सफलता तक पहुँचने तक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है परिवार वालों के लिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ प्रेशर बच्चे के ऊपर ही नहीं होता, कई बार हम देखते हैं कि प्रेशर बिल्डअप परिवार वालों की तरफ से भी किया जाता है कि तुम्हें अटेम्प्ट करना है, पहले अटेम्प्ट में ही पास होना है, या फिर परिवार वाले बाकी जो है वो क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, तो कहीं ना कहीं ये भी प्रेशर बिल्डअप स्टूडेंट्स के ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में कितना महत्व रखता है जो गार्जियंस का, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, उनके रोल की बात करते हैं। देखिए मैम, बात में बहुत अच्छा किया, हम लोग तो इसको समझाते बुझाते रहते हैं। गार्जियंस जो है पहले की तुलना में बदले हैं। आज से 20-25 साल पहले, हम तो 21 साल से पढ़ा रहे हैं, हर वर्ग का, हर मतलब कहा जाए हर युग का गार्जियन कमोबेश 20 सालों में हमने देखा है। अब मैं मानता हूं कि गार्जियंस का रोल जो है ना, हमारा रोल अगर 10% है तो उनका 90%। हम तो पढ़ाते हैं,
हम तो सिर्फ सिलेबस को पढ़ाते हैं, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी उनके प्रश्न को कैसे हल करें, कैसे अंक ज्यादा पाएं, इसको तैयार करते हैं। ये तो हम 2-2.5 घंटे की यात्रा कराते हैं उनके, 24 घंटे में हमारे पास वो 2.5 से 3 घंटे रहते हैं। लेकिन जो उनका 21 घंटा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, घर में कटता है, गार्जियंस के बीच कटता है और खुद की स्वयं की स्ट्रेटजी के साथ कटता है। ऐसे में जो गार्जियंस है, जो जागरूक गार्जियंस है, वो उनके अच्छे कह सकते हैं कि नाविक जो उनको इस पार से उस पार अच्छे से ले जा रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे बैठो वैसे बैठो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये लिखो ऐसे लिखना होता, निबंध में ऐसे करो वैसे करो, 3 घंटे में समझाते हैं। बाकी मैंने आपको अभी बोला 8 घंटा पढ़ने के लिए, तो 3 अगर निकाल दे तो 5 तो उनके पास घर में है, 5 अगर ये पढ़ने में कितने तरीके के वातावरण चाहिए, घर का शांत वातावरण चाहिए, विश्वास का वातावरण चाहिए, थोड़ा समर्पण का वातावरण चाहिए, संसाधन का वातावरण चाहिए, थोड़े आर्थिक रूप से इतने कमजोर ना हो कि उसकी किताब कॉपी में दिक्कत आए, तो ये और कोचिंग आ रहे हैं तो उनकी फीस की पूर्ति, उनके और भी रहन सहन खान पान हेल्थ, आजकल तो देख रहे हैं बीमारियों के जकड़ में कितने लोग तो सिविल सर्विसेज से बेचारे कहीं ना बाहर हो गए होंगे क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं रही होगी। तो यह सब में रोल्स केवल और केवल माता पिता का है। तो मैं 10% अगर मैं शिक्षक के नाते अगर कहूंगा तो मैं अपना रोल मानता हूँ, 90% मैं माता पिता का मानता हूं। अगर वो पढ़ने ही ना भेजते, वो उत्साहित ही ना करते, वो उनके उत्साह में सहयोग ही ना करते, वो उनके संसाधनों की पूर्ति ही ना करते, वो उनके दुख दर्द में रोज हिम्मत के साथ खड़े ना होते और हिम्मत ना देते, तो मेरे 3 घंटे पढ़ाने से कोई आईएएस नहीं बनेगा। हाँ, उनके उनके रहन सहन, उनके बात व्यवहार, उनके विचार, उनके समर्पण, उनके सहयोग से वो बिना कोचिंग के भी आईएएस जरूर बनेंगे। बिल्कुल। और सुशील जी, जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो देखिए एग्जाम के बाद इंटरव्यू भी आता है। इंटरव्यू मतलब एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदना आसान नहीं होता है, इसके लिए क्या खास प्रिपरेशन जरूरी हो जाती है? आप किस तरह से छात्रों को इंटरव्यू के लिए तैयार करते हैं, क्या टिप्स देते हैं, ये जरा बताइएगा। देखिए मैम, बहुत सही है आपका। हम विद्यार्थी को जब लेते हैं, पहले ही आ जाता है तैयारी के शुरुआती दिनों में, तब से ही हम उसके व्यक्तित्व विकास में हम भी इसका एक ढांचा तैयार किए हैं। जैसे जब वो क्लास में बैठता है तो हम कहते हैं कि हर चीज का, जैसे सुबह 6:30 अगर क्लास है तो हम उसको 5 बजे जगने के लिए पहले ही मजबूर कर देते हैं। और अगर हम असाइनमेंट की बात करते हैं तो उसको लिखने के लिए मजबूर कर देते हैं। और हम एक 3 मिनट का एक प्रोग्राम करते हैं कि अगर देश में जो भी समस्या या जो भी नीतियां या विदेश में कुछ भी आपको समझ में आता है, आप एक असाइनमेंट तैयार कीजिए और क्लास में आकर के हर सैटरडे 3 मिनट एक प्रोग्राम होता है, 3 मिनट पर अपनी बात कहिए। तो वो डाइस पे, जिस डाइस पे खड़े होकर के हम रोज बोलते हैं, हफ्ते में एक दिन सारा स्टूडेंट वहां से खड़े होकर बाकी स्टूडेंटों को सुनाता है, मैं भी बैठ के सुनता हूँ। तो उसके फ्रिक्वेंट, उसके जो अगर टंग्स में कोई प्रॉब्लम है, बोलने में कोई प्रॉब्लम है, हिजिटेशन करता है, तो 4-10 बार तो करता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी अनुकूलन स्थापित कर लेता है। एक तो हम इंटरव्यू में इसको मददगार मानते हैं। दूसरा हमारा मानना है कि इंटरव्यू एक चर्चा है, 4-5 लोग सामने बैठे होते हैं और आप अकेले वहां होते हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब होता है। वो प्रश्नों का जवाब के लिए नहीं आपका इंतजार कर रहे, क्योंकि प्री मेंस में आपसे बहुत प्रश्न पूछा जा चुका है। अब वो आपको देखना चाहते हैं कि आप परेशान कैसे होते हैं, चेहरे पर शिकन कैसे आती है, आप किसी भी तरीके से सामने से कैसे प्रश्न के जवाब नहीं का नहीं जवाब कैसे देते हैं, हाँ का हाँ कैसे करते हैं, कैसे घुमाते हैं, कैसे टहलाते हैं, किस तरीके का दृष्टिकोण आप रखते हैं। एक प्रकार से साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण है, न कि ज्ञान परीक्षण। तो हम चूंकि ज्ञान परीक्षण तो दे ही चुके होते हैं, और व्यक्तित्व के लिए इनको रोज आना किसी न किसी बहाने कोई न कोई पैरामीटर्स में आते ही रहते हैं। तो मैं समझता हूं मैम कि साक्षात्कार का हम 10-15 दिन की तैयारी नहीं कराते, बल्कि फुल टाइम जब से ये कोचिंग में आते हैं तब से लेकर आखिरी टाइम तक कराते हैं। तो यह एक कह सकते हैं कि इंटेग्रल अप्रोच है, जो प्री के साथ भी चल रही है, मुख्य परीक्षा के साथ भी चल रहा है, और साक्षात्कार के दिनों में तो ये केंद्रित हो ही जाता है इस ओर। तो विद्यार्थी तब तक ज्ञान से, विचार से, मूल्य से, थोड़ी इस तरीके अनुशासन से इतना भर चुका होता है कि साक्षात्कार उसके लिए एक साधारण बात है।
बिल्कुल। और सुशील जी, मान लीजिए कि इंटरव्यू की चुनौती को पार करके किसी का सपना साकार हो जाता है और सिविल सर्विसेज वो ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद अगर हम चुनौती की बात करते हैं तो किस तरह की चुनौतियां सामने आती हैं? मैम, मुझे लगता है कि चुनौतियां जो है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप काम को कार्य की तरह ले रहे हैं या समस्या की तरह ले रहे हैं, चुनौतियां हमेशा समस्या होती है। अगर समस्या को हम समझ जाएं ठीक से तो हम कमजोर कर सकते हैं। और कार्य जो है, देखें, एक डगलस मैकग्रेगर की एक थ्योरी है कि कार्य अगर हम कार्य की तरह लें तो व्यक्ति में स्वभावतः काम चोरी होती है, व्यक्ति काम को टालता है। जो सिविल सेवक के तौर पर कार्य को कार्य लेता है वो कार्य को थोड़ा साइड लगा सकता है, अवॉइड कर सकता है। हमारे यहाँ लाल फीता शाही यही कारण रही है, देर लेट लतीफी, कि लोगों ने समय से काम नहीं किया क्योंकि काम को काम समझा। और काम स्वभावतः व्यक्ति काम चोर होता है, कम ज्यादा सब होते हैं, मैं भी हूं, और यह काम टालने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अगर यही समस्या का रूप दे दिया जाए कि नहीं, ये जनता के लिए अगर नहीं करते हैं तो जनता समस्या में चली जाएगी, भलाई रुक जाएगी, देश की तरक्की को दिक्कत हो जाएगी, नीतियां आज ही बननी चाहिए, इस क्रियान्वयन को आज ही निपटाना चाहिए, रिपोर्ट आज ही लगानी चाहिए, अगर ये सोच समस्या के तौर पर आती है तो कोई व्यक्ति समस्या में दरअसल रहना नहीं चाहता है। कोई पेट दर्द है तो दवा तुरंत लेना चाहता है, सर दर्द में देखे होंगे तुरंत उससे राहत चाहता है, ये सब समस्याएं। वैसे ही कार्य अगर समस्या मान लिया जाए, इसीलिए साइमन ने भी कहा, जो डिसीजन मेकिंग के लिए जाना जाता है उसको 1978 में नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला था, कि अच्छे डिसीजन से भी समय और धन बचते हैं क्योंकि वो फिर काम होने लगते हैं, नहीं तो डिसीजन ही लेते रहेंगे चार दिन। तो उसको 1978 में नोबेल मिला, उसने भी कहा कि वर्क इज अ प्रॉब्लम। अगर कार्य को समस्या के तौर पे लेंगे तो हम समस्या में रहना नहीं चाहते, इसलिए जल्दी निपटाएंगे। तो मैं मानता हूं कि जो सिविल सेवक वर्क को एज अ प्रॉब्लम ट्रीट कर रहा है, वो अपना भी नाम कर रहा है, देश की भी तरक्की हो रही है और जनता की भी भलाई हो रही है। जो कार्य को कार्य के तौर पे ले रहा है, यानी वर्क इज अ नॉट प्रॉब्लम, वर्क इज अ वर्क, वो अपना तो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन जनता की भलाई थोड़ी सी कम हो रही होगी, देश की तरक्की भी पिछड़ रही होगी। तो मेरे हिसाब से जो विषय है ना, MBA सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है ना, मैंने एक बार लेख लिखा था कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस स्वयं में गुड गवर्नेंस है। भारत सरकार को गुड गवर्नेंस की तलाश है। हम कह रहे हैं UPSC का जो सिलेबस है सिविल स्वयं में गुड गवर्नेंस, यानी कि IAS बनने से पहले ही पाठ्यक्रम पढ़ने मात्र से गुड गवर्नेंस की भावना का विकास कर देता है, नैतिक रूप से, ज्ञान के तौर पे और समझने के तर्ज पर, इमोशनल इंटेलिजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें दया दिखानी है, ये IAS बन के नहीं सीखना, हम स्वयं अगर वैचारिक रूप से सक्षम है तो हम गरीबों पे दया आती है, लेकिन जब हम IAS बन जाते हैं तो हम भुखमरी और गरीबी को लेकर के नीतियां बनाएंगे और आगे बढ़ाएंगे तो आगे फिर तरक्की तो होना तय है ना। तो मेरे हिसाब से जो सिविल सर्वेंट वर्क इज अ प्रॉब्लम थ्योरी पे है वो चौतरफा काम अच्छा कर रहे हैं, जो कार्य को कार्य समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं डगलस मैकग्रेगर की वो थ्योरी कि व्यक्ति स्वभावतः काम से बचना चाहता है, हो सकता है कि उनकी वजह से थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है, तो वो लोग भी इसको समझें और नैतिक रूप से ये समझें कि भाई सैलरी सुविधा बंगला गाड़ी मकान दुकान जो भी सुविधाएं मिली हैं वो जनता और देश की भलाई के लिए मिली हैं और उसके उसकी कीमत उनको चुकानी चाहिए। और सुशील जी, ऐसे भी कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, पास परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं, कई बार अटेम्प्ट करते हैं लेकिन एग्जाम्स को पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आगे के लिए क्या रास्ता बचता है, आगे के लिए विकल्प क्या बचता है उनके पास? बहुत, ये तो आपने मेरे, मैं सोच रहा था कि ऐसा सवाल कोई आदम में जवाब देता है इसका, आपने बहुत सही कहा मैम। इसको अब तक की बातों से आपने भी इसको और गहनता से समझ ही लिया होगा कि यह एक चौतरफा व्यक्तित्व विकास की ही परीक्षा है। मैं अपना एग्जाम्पल दे सकता हूं, हमने भी सिविल सर्विसेज की, मैं 1989 में जब सेकंड ईयर में पढ़ता था BSc में इलाहाबाद में, तब से तैयारी शुरू किया और 2002 मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और मैं IAS नहीं बना। ये तो मैं क्लास में भी बोलता हूं कि मैं IAS होता तो कोचिंग कभी नहीं खोलता, क्योंकि IAS बन के क्यों कोचिंग खोलता। और जो लोग IAS, एक्सेप्शनली कुछ लोग होंगे बट कोचिंग तो वही चला रहा है जो IAS नहीं है, दो चार लोग एक्सेप्शनल हो सकते हैं, तो पढ़े हैं तो इसलिए पढ़ाते हैं। तो हमने देखिए, पहला तो यही एग्जाम्पल हो कि IAS की तैयारी के बाद आप पढ़ा सकते हैं,
और तबीयत से पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप फिर एक विषय में बीए में नहीं रहते, वो तो डिग्री है। यहाँ हम लोग दर्जनों विषय के धारक हो जाते। ये बात और है कि मैं लॉ में पीएचडी हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय हैं बिना डिग्री के ही कई में पीएचडी हो गई है, जो ये फायदा होता है। दूसरा, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, और हमने अब तक में 1500 आर्टिकल लिखे हैं, अच्छे लेखक बन सकते हैं, 3 किताबें लिखी, बुक लिख सकते हैं। देश विदेश में मैं जाता हूँ प्लेटफॉर्म पे, स्पीच या कॉन्फ्रेंस सेमिनार, ये कर सकते हैं, यानी कि ये तो कर ही सकते हैं जी। अपनी कोचिंग चलाएं, लेक्चरर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, यूनिवर्सिटी जोड़ लें, अपने को डिग्री वगैरह है तो जुड़ जाइए, किताबें लिखिए, आर्टिकल लिखिए। अगर इन सब के अलावा देश का नेता भी बन सकते हैं, तो इसमें विकल्प जो है ना, ये तो बड़े बड़े विकल्प हो गए। लेकिन आप चाहें तो पीसीएस में चले जाएं, आईएएस नहीं बने, नायब तहसीलदार की अलग से परीक्षा होती है उसमें चले जाएं, आरओ आरओ में चले जाएं, मतलब अगर विकल्प सेकेंडरी लेना चाहते हैं तो ऐसी भी परीक्षाएं हैं। क्योंकि इस परीक्षा में मैम जनरल के लिए 32 साल, ओबीसी के लिए 35 साल और एससी एसटी के लिए 37 साल है, यानी व्यक्ति अगर 21-20 साल से लगा है तो 2-4-5 साल में अगर उबता भी है तो बाकी भी विकल्प है। उत्तर प्रदेश पीसीएस में चले जाइए, 40 साल तक एज है जनरल की, उत्तराखंड पीसीएस में 42 साल तक एज है, यानी शिफ्ट होना चाहे तो यहाँ चांस है, और अपना स्वरोजगार या कुछ करना चाहे तो ये भी चांस है। तो हम लोग चूंकि तैयारी में थे तो कुछ चीज समझ में नहीं आई तो स्व की ओर चले गए। तो यह भी मैं एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए दिया कि कोई चीज आसानी से कैसे समझाऊं, तो मुझे लगा यही एक तरीका है। तो इसमें संभावनाएं इसके अलावा रहती हैं, तो इसलिए जो विद्यार्थी इसमें है, सालों साल से लगा है, मेरी तरफ से उसकी ये राय है कि वो निराश ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, अवसाद में ना हो। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो आईएएस नहीं भी बन रहा है तो उसके लिए भी कई द्वार अपने आप थोड़ा सा नजर घुमाएगा तो खुले हुए दिखेंगे। बिल्कुल। और अच्छा, एक लाइन रह गया मैम जी, एक लाइन ये रह गया कि आपके यहाँ जैसे टीवी चैनल में है ना, टीवी चैनल में रिसर्चर की जरूरत है, कंटेंट राइटर की जरूरत है ना, यहाँ भी उसको मीडिया में भी मौके। आप अगर खंगाल के मीडिया में देखेंगे बहुत सारे पत्रकार होंगे जो सिविल सर्वेंट नहीं बने इसलिए जर्नलिस्ट। बिल्कुल। और सुशील एंकर जी, सुशील जी, एक आखिरी सवाल कि अगर हम इस परीक्षा में सुधार की बात करते हैं तो इसको लेकर कोई बातचीत हुई है? नहीं, बातचीत क्या मैम, असल में एक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण मामलों की एक स्थायी संसदीय समिति बनाई गई, उसमें सिर्फ ये कहने का अभी प्रयास है, अभी सोचा जा रहा है, मतलब ये कह दिया गया है कि साहब इसको देखो। यह परीक्षा में क्या है ना, फरवरी में जब विज्ञापन आता है तो इसकी अंतिम भर्ती होते होते मई आ जाता है, यानी नेक्स्ट ईयर का। जैसे 2022 की एक विज्ञप्ति फरवरी में आई थी जिसका अभी अंतिम रिजल्ट नहीं आया है, तो करीब 15 महीने का टेनोर के लिए तो जो कार्मिक और प्रशिक्षण मामलों की स्थायी संसदीय समिति है उसने ये कहा है कि आप 15 महीने के टेनोर को कम करिए। हिंदी और अंग्रेजी के बीच में क्या अंतर है, सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा बिगड़ा है। अगर मैं आपको मैम बोलूं तो आपको बड़ा अजीब लगेगा, जो डेटा हम लोग भी गूगल वूगल से सर्च करके पाते हैं उसके हिसाब से भी बात करें तो हिंदी का सिलेक्शन जो है ना 4-5% के अंदर ही सिमट के रह जाता है। सुशील जी, सुशील जी बहुत अच्छे से आपने बातें बताई, खासकर कि युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो ये सोचते हैं कि हम एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे हैं, आगे के हमारा भविष्य किस तरह से रहेगा, तो उन्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत से विकल्प हैं जिस तरह से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील मौजूद थे, वो हमसे बातचीत कर रहे थे और इन तमाम चीज़ों के बारे में, सिविल सर्विसेज में किस तरह की कठिनाइयाँ होती हैं, सिलेबस किस तरह का होता है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, और अगर आप सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो क्या चुनौतियाँ होती हैं, और अगर पास नहीं कर पाते हैं तो क्या विकल्प आपके पास रहता है, इन तमाम चीज़ों को लेकर वो जानकारी दे रहे थे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश मेरा आसमान में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ।